हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो चलिए मैं आज डिस्कस करती हूँ कि मैं इसको कैसे चैलेंज को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आज डे वन है, तो डे वन में आपको क्या करना है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। तो चलिए निकाल लेते हैं, दोनों 8-8 पेज का है, तो आपको एक दिन में कम्प्लीट करना है इसको। वो आपको 1 घंटा भी लग सकता है, 4 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटा भी लग सकता है, डिपेंड करता है आपका रीडिंग स्पीड कैसा है और आपको बुक हैबिट कितना है पढ़ने का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि संविधान जो अब यहाँ लिखा हुआ है, मेन चीज़ आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको थोड़ा थोड़ा क्या करना है, नोट थोड़ा सा आपको जो भी समझ में आएगा उसको बना के चलना है। देखिए मैंने इसको क्या किया है, ये मुझे समझ आ गई थी तो मैं इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं की, मैं इसका नोट्स बनाई थी। अब मैं यहाँ पे एक बात और बता देती हूँ, मैं धीरे धीरे अपने नोट्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो चैनल पर बने रहिएगा, आपको इस चैनल से बहुत कुछ हेल्प मिलने वाला है। और मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं कर सकती हूँ कि आपको बने ही रहना है, आपको लगेगा कि आपका मतलब का ब्लॉग है, वीडियो है, तो ही आप देखें, तो ही लाइक शेयर करें, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर टॉपिक पाती हूँ। तो डे वन में आज हमारा ये पढ़ना है, ये चैप्टर हो गया चैप्टर, देखिए बहुत छोटा सा चैप्टर आपका है। और हाँ, अभी इसको आपको नहीं पढ़ना है, अभी आपको इसको रख देना है, बस आपको ये सब पढ़ना है, ठीक है। फिर आपके आता है इसको भी नहीं पढ़ना है अभी आपको, अभी चैप्टर टू में आते हैं। चैप्टर टू में आपको फिर इस तरह से पढ़ना है, आपको ये आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको जो लिखा हुआ है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक आपने पढ़ लिया है, अच्छा। अगर आप इसको पढ़ लीजिएगा तो कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट कीजिएगा कि हाँ आपने इसको पढ़ लिया है और आपको पढ़ने के बाद कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ मैं ब्लॉग में। आपको यहाँ तक समझ में आ गया डे वन क्या है, मैं भी इसको कम्प्लीट करूँगी और ये मेरा आज का टास्क है, मैं इसको कम्प्लीट करूँगी, आपसे मिलूँगी, ठीक है। इस तरह से आज हम लोग का टास्क कंप्लीट हुआ, हम लोगों ने जो चैलेंज दिया था एक दूसरे को वो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। और इसके लिए थोड़ा चाय बनता है, क्योंकि वही बात है थोड़ा सा, जब हम मैंने खुद को आज ये किया कि नहीं, जब मैं पढ़ लूँगी तब मैं चाय पीऊँगी, तब मैं खुद को रिफ्रेश करूँगी, अदरवाइज मैं नहीं पीऊँगी। आज मैंने ये खुद से संकल्प किया था कि अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो मैं नहीं पीऊँगी और कर लूँगी तो पीऊँगी। तो बात ऐसा था कि मेरे मन में लालच था कि मुझे चाय पीना है, तो मुझे तो करना ही है, तो इसीलिए मैं टाइम निकाल के, आप देख सकते हैं मैंने अभी तक कुछ किया नहीं, कोई फ्रेश नहीं, कुछ नहीं, बस बेबी को जल्दी से सुला दी हूँ, जल्दी से अपने पढ़ने में लग गई। अब मुझे हार्डली इसको पढ़ने में 1/2 घंटा लगा है, 2 चैप्टर को पढ़ने में, और मैं इससे जल्दी नहीं पढ़ सकती हूँ, ज़्यादा इसे देर कर सकती हूँ, ये चैप्टर बहुत कम है। बस मेरा बस बात वही है कि डिपेंड करता है आपके रीडिंग स्किल पे, आपका रीडिंग स्किल कैसा है, आप पढ़ने में आपको कैसा मन लगता है, कितनी जल्दी आप ग्रैप कर पाते हैं। और आपको ये नहीं सोचना है कि अगर मैंने 1/2 घंटा में पढ़ लिया तो आपको 1 घंटा लग रहा है तो बहुत दिक्कत है, कैसे मेरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं आपको सोचना है, ठीक है। तो आपको बस लगे रहना है, मेहनत करते जाना है, और मैं आपको टाइम टू टाइम आपको गाइड करती रहूँगी, आपको बताती रहूँगी। मेरा बस ये ड्रीम है, अगर आप में से कोई अगर इस यहाँ तक हो जाता है कि निकाल लेते हो, आप किसी भी पोजीशन में कर लेते हो, एग्ज़ाम निकाल लेते हो या कुछ नहीं भी निकालते हो और अपने लाइफ में एक गोल सेट कर लेते हो, तो वो मेरे लिए बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बहुत खुश हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा आपको लग रहा है। तो मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, मतलब नए चैलेंज के साथ डे टू में। तो अच्छा, मैं आपको टास्क दे देती हूँ कि आपको फिर से 2 चैप्टर को कम्प्लीट करना है, ठीक है।